ओके नाउ स्टूडेंट अवर सेकेंड टॉपिक इज नेब्यूला। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था स्पेस को, अब हमने डिस्कस करना है नेब्यूला। अगर हम सिंपल नेब्यूला के बारे में देखें तो नेब्यूला डस्ट पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स डस्ट से बने हुए पार्टिकल्स से बने क्लाउड्स को कहते हैं। नेब्यूला क्या होता है कि हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के और दूसरे गैसेज होती हैं जो आपस में इकट्ठा होकर बनाती हैं क्लाउड्स बनाती हैं। वो क्लाउड्स की जो शेप होती है वो जो डस्ट पार्टिकल्स से और गैसेज से बनी हुई होती है, डेंजरस गैसेज से बनी हुई होती है, उसको हम किसका नाम देते हैं, नेब्यूला का नाम देते हैं। अगर हम देखें तो नेब्यूला क्या है, नेब्यूला बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसके मीन्स है क्लाउड्स। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द नेब्यूला, इन अ लैटिन लैंग्वेज वी कैन से द नेब्यूला इज ऑल्सो नॉन एज द क्लाउड। लैटिन वर्ड्स में हम इसको, लातीनी जबान में हम इसको किसका कहते हैं, बादल कहते हैं या कोरा। आपने देखा होगा ना स्मोक टाइप जो होता है वो आपके आसमान पर आपको नजर आता है, उस टाइप का स्पेस के बाहर भी कोरा होता है जिसको हम किसका नाम देते हैं, नेब्यूला का नाम देते हैं। इसके अंदर, नेब्यूला के अंदर जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस मौजूद होती हैं, और हीलियम और हाइड्रोजन गैस के मौजूद होने से और भी बहुत सारी आयंस जो होती हैं, गैसेस के आयंस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, एक क्लाउड बनाता है जिसके अंदर गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, नेब्यूला के अंदर इतनी डेंस एरिया होते हैं कि डेंस एरिया आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो उनके इकट्ठे होने से क्या हो जाता है, ये एक शाइनिंग पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। मतलब बेसिकली जो क्रिएशन है स्टार की वो कहां से स्टार्ट होती है, वो नेब्यूला से स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट नेब्यूला क्या हो गया, नेब्यूला वो क्लाउड्स हैं जो डस्ट पार्टिकल्स और डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस जब इकट्ठे एक जगह जमा हो जाती हैं तो उनसे फिर क्या बनता है, उनसे हमारे पास स्टार्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। स्टूडेंट दिस इज योर बुक पेज नंबर 104। तो अब हम इसको थोड़ा सा बुक से डिस्कस कर लेते हैं कि नेब्यूला क्या है। एक चीज हमने सुनी कि नेब्यूला क्या है, नेब्यूला इज इन लैटिन वर्ड्स विच मीन्स क्लाउड। नेब्यूला को लातीनी जबान में क्या कहते हैं, क्लाउड्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, देयर आर ग्रेट क्लाउड्स, वहां बड़े बड़े बादल होते हैं ऑफ द गैस एंड डस्ट, जिसके गैसेस के एंड डस्ट पार्टिकल्स की इन अ स्पेस, खला के अंदर, दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड नेब्यूला। उन क्लाउड्स को हम किसका नाम देते हैं, उन क्लाउड्स को हम नेब्यूला का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन से वो जो हमने बात सुनी है कि लैटिन वर्ड्स में इसको क्लाउड्स बोलते हैं, डेफिनेशन ने इस बात को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि जो नेब्यूला है वो बेसिकली वो क्लाउड्स हैं जहां डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डेंस हो रहे हैं, क्लाउड्स बना रहे हैं। इन्हीं क्लाउड्स के अंदर से जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो यहां से किसी की फॉर्मेशन होती है, स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। नाउ ओपन योर पेज 104 एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन। स्टार्स आर फॉर्म इन दी नेब्यूला। स्टार कैसे बनेंगे, नेब्यूला से बनेंगे, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो फोर्स कैसे बनते हैं, अब वो देखते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी कहां मौजूद है, जाहिर सी बात है ग्रेविटी है हमारे पास अर्थ में। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, जमीन से जो ग्रेविटी है वो पुल करती है मॉलिक्यूल्स को और डस्ट पार्टिकल्स को टूगेदर। मतलब जो ग्रेविटी है हमारे पास वो डस्ट पार्टिकल्स को और गैस के पार्टिकल्स को इकट्ठा करती है। एज द मास ऑफ पार्टिकल, इकट्ठे करने से क्या होता है, वो जो मास होता है उस पार्टिकल्स का वो बिकम टाइटली पैक, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे बिल्कुल क्या हो जाएंगे, एक जगह आकर जुट जाएंगे। देखिए जैसे ये पैक हुए नजर आ रहे हैं ना, कि ये कुछ जगह पे है, यहाँ इतने डेंसर नहीं है, लेकिन ये जो एरिया है या ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा डेंस है। इट्स मीन यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। इकट्ठे होने से इट बिकम हॉट, वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। द टेम्परेचर इन साइड द मैस राइजेस टू अबव 1,000,000 डिग्री। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास, 1,000,000 डिग्री तक पहुंच जाएगा। आपको एक और बात भी बता दूं कि सिंपल जो नेब्यूला होता है, जो क्लाउड्स होते हैं हमारे पास नेब्यूला के डस्ट पार्टिकल्स के,
वो समटाइम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और उनका जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं -272 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ठंडा हो जाता है कि वो पार्टिकल्स बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अलग होते हैं। बाद में जब फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स होते हैं तब वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, आकर इकट्ठे हो जाते हैं। उनके इकट्ठे होने से वो जो कोल्ड टेम्परेचर था वो किसमें चेंज हो जाता है, वो हॉट टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। द टेम्परेचर इन साइड द मैस राइजेस टू अबव, कहाँ तक, 1 मिलियन डिग्री तक। द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकम ज्वाइंट, जो हाइड्रोजन गैस है, जो नेब्यूला के गैस के पार्टिकल्स हैं, वो हीलियम की गैस के साथ क्या हो जाते हैं, आके ज्वाइन हो जाते हैं। दिस प्रोड्यूस, इनके ज्वाइन होने से ये प्रोड्यूस करते हैं लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। किस फॉर्म में, हीट एंड लाइट की फॉर्म में। इट्स मीन नेब्यूला जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी नेब्यूला के अंदर जो नेब्यूला के अंदर गैस पार्टिकल्स और हीलियम पार्टिकल्स हैं वो हीट और लाइट एनर्जी के रिस्पॉन्स है। जब ये हीट और लाइट एनर्जी जो होगी इकट्ठी होगी तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो शाइन को प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, चमक। वो चमक क्या कहलाती है, अ स्टार इज फॉर्म। उस वक्त आपके पास वहां पर नेब्यूला के अंदर द डेंस एरिया ऑफ नेब्यूला विल फॉर्म अ स्टार। तो जब भी नेब्यूला के जो गैस पार्टिकल्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होंगे, उनके इकट्ठे होने से लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी किसको प्रोड्यूस करेगी, हीट और लाइट को। हीट और लाइट को प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पे आपके पास फॉर्मेशन ऑफ स्टार क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। Sometime you can see a band of stars in the sky. बैंड मतलब जमघट्टा, इकट्ठे हो जाना, कि बहुत सारे स्टार जो हैं हमें आसमान पर नजर आ रहे हैं ऑन अ डार्क नाइट, रात के वक्त। दिस बैंड ऑफ द स्टार इज कॉल्ड द मिल्की वे। दिस इज लाइक अ मिल्की वे। ये जो आपको शाइनिंग पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली हमें बाज अफा आसमान पर ये मिल्की वे क्या होता है, नजर आता है। एन आइलैंड ऑफ द स्टार स्पिनिंग, और वो आइलैंड जहां पे स्टार क्या कर रहे होते हैं, आइलैंड बेसिकली कहते हैं जजीरे को, एक ऐसा एरिया जहां बहुत सारी चीजें इकट्ठी होकर मौजूद होती हैं। एन आइलैंड ऑफ द स्टार स्पिनिंग थ्रू स्पेस इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। और जो आइलैंड ऑफ स्टार्स होता है जहां पे बहुत सारे स्टार्स स्पिन करते हैं, घूमते हैं, स्पेस के जो चक्कर लगाते हैं, उस एरिया को हम किसका नाम देते हैं, गैलेक्सीज का नाम देते हैं। और वो अर्थ इज द मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी जमीन भी क्या है, मिल्की वे गैलेक्सीज है। अगर हम अर्थ की एटमोसफियर की लेयर से बाहर देखें तो हमें क्लाउड भी नजर आते हैं, उन क्लाउड्स के ऊपर डार्क नाइट पे हमें बहुत सारे शाइनिंग स्टार्स भी नजर आते हैं। और वो शाइनिंग स्टार जब इकट्ठे एक बैंड की सूरत में होते हैं, उस एरिया को हम, उस जगह को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। देयर आर मैनी अदर गैलेक्सीज इन द स्पेस। इन स्टार्स के अलावा भी दूसरी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द, हमारे स्पेस के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट, आई नो, आई होप सो डेट यू अंडरस्टैंड वट इज द नेब्यूला, हाउ स्टार्स इज फॉर्म, वट इज द मिल्की वे एंड दी वट इज दी गैलेक्सी। थैंक यू सो मच। द नेब्यूला टॉपिक इज कंप्लीटेड हियर।